सीरियल इतने नकली और इतने शैलो बहुत शैलो तो ठीक है कर लेते हैं कभी कभी ऐसे पैसे के लिए कर लिया तो ठीक है काम जब करते हैं तो दो चार दिन अच्छा लगता है उसके बाद लगता है कितने सीन हैं भैया बताओ कभी आपको ले आते हैं कभी आपको मार देते हैं कभी घुमा देते हैं कभी इतनी ज्वेलरी इतना मेकअप थोप थोप के बापरे टीवी में बहुत काम ने किया है लेकिन आ, आ, ये अनंत महादेवन है ना उन्होंने बुलवाया कि घर जमाई करके एक सीरियल जो उन्होंने खुद ने किया हुआ था पहले तो प्रोड्यूसर उनसे मिली तो बोले कि हाँ लेकिन उस वक्त मैं उम्र में उतनी बड़ी नहीं लगती थी लेकिन ठीक है सबने मुझे टोका कि तुम क्यों मंदिरा बेदी की माँ लगी नहीं सकती हो तुम तो? और उसके बाद क्योंकि मुझे कॉमेडी सुन लिया तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं कॉमेडी करूँगी अब वो किसकी माँ बनूँ किसकी बहन बनूँ मुझे मतलब नहीं तो जब सेट पे गई तो मंदिरा ने भी यही बोला ये कैसे मेरी माँ लगेंगी बट अल्टीमेटली कॉमेडी में सब चल जाता है और मैं रिग्रेट बिल्कुल नहीं करती मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके और एक टीम बन गई थी हमारी बहुत अच्छी हाँ टीवी मूवी में क्या है ना आप मूवी में आप कह, आप जा रहे हो आपको पता है कि आपका कैरेक्टर है ये यह यहाँ तक हा आज लेगा उसके बाद ये नीचे आके ख़त्म हो जाएगा तो एक दिमाग में क्लैरिटी होती है कि यहाँ से शुरू यहाँ से ख़त्म सीरियल में वो नहीं है सीरियल में तो वो क्या कहते हैं प्लॉट ही चेंज करते रहते हैं बैठे बैठे सामने सीरियल में ऐसा हो जाता है शुरू में आप काम जब करते हैं तो दो चार दिन अच्छा लगता है उसके बाद लगता है कितने सीन है भैया बताओ कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि आपका सब कुछ इतना स्टेगनेंट हो जाता है कभी आपको ले आते हैं कभी आपको मार देते हैं कभी घुमा देते हैं आ, कभी इतनी ज्वेलरी इतना मेकअप थोप थोप के बापरे तो वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं जो जब मन खराब हो जाए और लगे कि अब ख़त्म हो ये सीरियल ऐसा नहीं उसमें भी कुछ अच्छे आई एम वेरी श्योर कि जब बिगनिंग हुई थी सीरियल्स की तब ऐसी नहीं थी तब वो टीवी था ऐसा कि जो हम लोग फिल्मों में नहीं कर सकते तो वो टी पे करते थे और बहुत बढ़िया से करते थे क्या है ना हम लोग और कौन सी ये सब थी ना क्या कहते हैं दबागले की दुनिया ये सब उस टाइम बहुत कमाल के सीरियल आते थे और अच्छा लगता था देख के और बाद में तो सीरियल इतने नकली और इतने शैलो बहुत शेलो सिर्फ सास बहू को क्या कर रही है और बहू कितनी स्कीमिंग कर रही है वो तो ठीक है कर लेते हैं कभी कभी ऐसे पैसे के लिए कर लिया तो ठीक है अच्छा अब मैं बताना चाहती हूँ प्यार के दो नाम एक राधा एक श्याम के बारे में जो कि राश्री प्रोडक्शन था और गुप्ता जी तो ऐसे ही बात करते हैं ना कि आपको ये करना है हाँ तो नहीं गुप्ता जी पैसे तो बड़ा ही अरे आप कीजिए ना नहीं, नहीं नहीं आप तो वो कर कर के वो मुझसे दो बार बल के ऐसा हुआ कि हमने काम किया और जब लेकिन राश्री के जब प्रोडक्शन में आप काम करते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है चाहे वो आपको रिस्पेक्ट देना हो चाहे कोई भी बात करनी हो तो आप वहाँ बहुत सेफ फील करते हैं हर तरह से कि कोई ऐसी बदतमीज़ी यहाँ होगी नहीं हर एक चीज़ चाहे वो खाना हो तो टाइमिंग हो टाइमिंग का बहुत अच्छा उनका सिस्टम है तो मुझे वो तीन महीने उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया तो अब अब तो बुलाएंगे गुप्ता जी सूरज तब काम करने का मौका मिलेगा मुझे वापस किस देश में है मेरा दिल हाँ ये इसका था एकता कपूर का मुझे विकास विकास का फ़ोन आया और आ, उसने कहा कि ये रोल आप करेंगी तो मैंने कहा नहीं उन दिनों में क्या हुआ था उस आ, इंजरी थी मेरी बैक में मैं गिर गई थी तो मैंने कहा मैं अभी तो हॉस्पिटल से आई हूँ और मैं ऐसा कोई अभी कोई काम नहीं लेना चाहती क्योंकि शूट था चंडीगढ़ में गांव में चंडीगढ़ में और रात भी रात शूट करनी पड़ती है तो मैंने मना कर दिया बट आप पता नहीं विकास ने तो यही बोला कि नहीं एकता ने बोला है कि आप ही को लेना है और शुरू शुरू का है एक में ना और उसके बाद आप फ्री हो जाएंगी क्योंकि उसको मार देते हैं पेरेंट्स को मैंने कहा ठीक है कोशिश फिर मैंने उसको बताई अपनी सिचुएशन कि इसमें अगर थोड़ा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा इतना तुम हमको देते हो प्रॉमिस तो मैं करूँगी तो हाँ पंद्रह बीस दिन करेंगे उसके बाद यहाँ आ जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग चंडीगढ़ गए और तो और मेरा रोल शुरू में ही मेरा और वीरेंद्र जी का था कि डेढ़ महीने तक एक महीने तक आपका रोल ख़त्म हो जाएगा तो मैंने कहा हाँ इतनी छोटी कमिटमेंट मैं कर सकती हूँ लेकिन मेरी क्योंकि बैक इंजरी थी मैं करना नहीं चाह रही थी मैंने उसको सब सच सच बताया बोला हम लोग ध्यान रखेंगे और बिल्कुल उन्होंने ध्यान रखा हम लोग गए लेकिन वो अल्टीमेटली एक महीने की जगह तीन महीने तक खींच गया वो हम लोग का जो रोल था तो बस हम उसके बाद सीरियल में क्या हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानती हूँ लेकिन एकता के साथ भी जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा था